गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम जो है वो सल्फर सिस्टम के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसे सल्फर तंत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को विद डायग्राम जो है वो इसे एक्सप्लेन करूंगी। इसका हम जो है वो फेस डायग्राम भी हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे। और सल्फर सिस्टम जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। वाटर सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है, सल्फर सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एक सिस्टम जो है एग्जाम में आपके आ सकते हैं, तो इसे अच्छे से जो है वो पढ़िएगा। और यहाँ पे मैं केवल आप लोगों को समझाना ही नहीं, जबकि यहाँ पे मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि सल्फर सिस्टम जो है वो इतना लेंदी टॉपिक है कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग इतना ज्यादा इसका लंबा नोट्स बनाओ कि एग्जाम में जो है वो आप इसे लिख भी ना पाओ, मतलब पूरा कंप्लीट भी ना कर पाओ। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने ये जो है वो नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है। मैंने जो अननेसेसरी चीज है उसे इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, जितना भी नेसेसरी पॉइंट है उसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो इस टॉपिक का जो नोट्स है उसे आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी बुक का जो नोट्स है आपको काफी ज्यादा, मतलब बुक में काफी ज्यादा लेंदी तरीके से दिया हुआ है। मैंने इसे काफी अच्छे से शॉर्ट तरीके से मैंने इसे आप लोगों को समझाया हुआ है। तो वही कहना चाहती हूँ कि इसका जो नोट्स है एटलीस्ट जो है वो आप लिख लें, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जो है वो लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सल्फर सिस्टम में देखिए टोटल फोर फेज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, चार प्रवस्थाएं जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ था तो वहां पे हम लोगों को थ्री फेज जो है वो पढ़ने को मिला था, लिक्विड और सॉलिड एंड गैस। बट यहाँ पे आपको सल्फर सिस्टम में एक चीज आपको अलग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फोर फेज जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं वो फोर फेज जो है वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला है आपका सल्फर रोम्बिक। सल्फर रोम्बिक को हम एस आर करके जो है वो लिखेंगे। आगे जो भी मैं आपको डायग्राम बताऊंगी वहां पे मैं सल्फर रोम्बिक को एस आर करके लिखूंगी, तो आपको समझ जाना है कि ये सल्फर रोम्बिक है। हालांकि ये सल्फर रोम्बिक का हिंदी नेम भी है, बट हिंदी नेम जो है वो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा, इसलिए मैंने यही प्रिफर किया आप लोगों के लिए कि आप जो है वो इसे इंग्लिश में ही जो है वो याद करो। सल्फर रोम्बिक अगर आप जो है वो एग्जाम में लिख रहे हो तो या तो आप इंग्लिश लिख लेना या तो हिंदी लिख लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों को लिखने के चक्कर में जो है वो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो जो जिसको आपको अगर इंग्लिश लिखना है तो आप जो है वो सल्फर रोम्बिक एसआर करके डायरेक्ट लिख लेना, और अगर जो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है वो सल्फर रोम्बिक करके जो है वो आप इसे लिख सकते हो। तो क्लियर हुआ आपको? तो सल्फर रोम्बिक जो है वो इसका पहला फेस है। सेकेंड फेस आपका सल्फर मोनोक्लिनिक। सल्फर मोनोक्लिनिक को हम जो है वो एस एम करके जो है वो लिखेंगे। देन थर्ड नंबर में है आपका सल्फर लिक्विड। सल्फर द्रव जिसे हम कहते हैं, सल्फर लिक्विड को हम एस एल करके जो है वो लिखेंगे, जो कि लिक्विड अवस्था में होगा। और लास्ट में आपका चौथा फेस है सल्फर वाष्प। सल्फर वाष्प को, सल्फर वेपर को हम एस वी करके लिखेंगे, वी से आपका वेपर हो जाएगा। तो ये जो है गाइस चार फेस है इसका। तो जैसा कि हम देखते हैं किसी भी सिस्टम में मेनली थ्री फेस आपको पढ़ने को मिलता है, एक तो गैसियस वाला, देन लिक्विड वाला, एंड थर्ड है जो है वो सॉलिड वाला। लेकिन यहाँ पे आखिर जो फोर फेस है वो कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए गैसियस रूप में तो आपको सल्फर वेपर जो है वो मिल जाएगा, लिक्विड रूप में आपको सल्फर लिक्विड मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो दो एक्स्ट्रा है वो कौन से फेज में आते हैं, तो वो जो होते हैं आपके सॉलिड स्टेट में आते हैं, मतलब ये जो इनकी जो अवस्था होगी वो सॉलिड होगी। मतलब सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक दोनों जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि जो सल्फर रोम्बिक होता है उसको जब हम एक लिमिट, मतलब एक टेम्परेचर में जब हम इसे बॉइल करते हैं, गर्म करते हैं, सल्फर रोम्बिक को जब हम ज्यादा गर्म करते हैं तो वो जो है वो सल्फर मोनोक्लिनिक में जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा यही कहना है कि दोनों जो है वो सॉलिड है, लेकिन दोनों जो है वो सल्फर का जो है वो अलग अलग रूप होता है। तो क्लियर हुआ आपको? सल्फर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सल्फर सिस्टम में टोटल फोर फेस होते हैं, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर लिक्विड एंड सल्फर वेपर। तो ये चार नाम को गाइस आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि चारों नाम जो है वो बार बार डायग्राम में जो है वो यूज होंगे। क्लियर हुआ आपको? अब चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या किसी भी सिस्टम में ये चारों फेज एग्जिस्ट करेंगे। मीन्स अगर कोई आपके पास सिस्टम है तो क्या ये चारों फेज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके पीछे इसका मेन कारण यही है कि चारों फेज जो है वो आपको एक साथ कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। या तो दो फेज देखने को मिलेगा या तो तीन फेज देखने को मिलेगा, लेकिन किसी सिस्टम में जो चारों फेज है वो एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मेन कारण ये होता है कि अगर हम फेज लॉ अप्लाई करते हैं, फेज लॉ का जो रूल है वो अप्लाई करते हैं, एफ इक्वल सी माइनस पी प्लस टू,
एफ का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता की कोटी जिसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, सी का मतलब होता है कॉम्पोनेंट जिसे हम घटक कहते हैं, पी का मतलब होता है फेस। तो चलिए अब हम इन सभी पे जो है वो वैल्यू रख करके देखते हैं। तो C इक्वल हम लोगों ने 1 रखा हुआ है, तो C इक्वल हम लोगों ने 1 क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट केवल एक ही यूज हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो चारों फेस में आपका केवल सल्फर ही यूज हुआ है, पूरे जगह हम लोगों ने सल्फर यूज किया है, तो ये जो है वो 1 कंपोनेंट का जो है वो एक एग्जाम्पल है। तो कंपोनेंट सी में जो है वो हम पूरे आगे जो भी आप लॉ फेस लॉ देखोगे तो इस सिस्टम में पूरे हम कंपोनेंट में जो है वो 1 ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे केवल एक ही कंपोनेंट का यूज किया हुआ है, वो है सल्फर। यहाँ पे ना तो हम लोगों ने H2O यूज किया हुआ है, ना तो कोई NaCl यूज किया हुआ है, तो केवल एक ही कंपोनेंट यूज किया हुआ है सल्फर, इसलिए C के जगह हम 1 रखेंगे। P के इक्वल हम 4 रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने चार फेस जो है वो यहाँ पे यूज करना है, और 2+2 हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। लास्ट में जब हम इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर जो है वो -1 आता है। तो क्या किसी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो -1 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव में उसका आंसर आता है। तो ये जो है वो जब हम लोगों ने चार फेस को एक साथ रख करके देखा तो यहाँ पे हमारा जो एफ का वैल्यू है वो -1 आ रहा है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इस सिस्टम का -1 है, जो कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को केवल यही बताना चाहती थी कि इस सिस्टम में जो है वो चारों फेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या तो आपको केवल दो फेस के बीच इक्विलिब्रियम जो है वो साम्यावस्था देखने को मिलेगा, मे भी हो सकता है तीन फेस के बीच जो है वो आपका आपको जो है वो इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था देखने को मिले, लेकिन कभी भी आपको चारों फेस के बीच जो है वो साम्यावस्था देखने को नहीं मिलेंगे। इसी चीज को यहाँ पे आप लिखोगे अगले पॉइंट में, अतः यह सिस्टम में एक समय में 3 से ज्यादा फेस एक साथ नहीं होते हैं। क्लियर हुआ आपको? इस सिस्टम में एक समय में 3 से ज्यादा फेस जो है वो एक साथ नहीं होते हैं, या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख रहे हो अगर चार फेस हम जो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 आता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो क्लियर हुआ? तो आपको इंट्रोडक्शन में ये सब लिखना होगा, इतना आपको इंक्लूड करना होगा आपके इंट्रोडक्शन में। अब चलिए हम जो है वो डायग्राम की ओर जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कर्व भी बता दूंगी जिसे हम वक्र कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है वो अभी आधा बना हुआ है, मतलब मैंने केवल आधे वक्र आधे कर्व को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि ये इसमें इतने सारे कर्व आपको पढ़ने को मिलेंगे ना सल्फर सिस्टम में कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने पहले हाफ कर्व को यहाँ पे बनाया हुआ है। देन जब आप इतना समझ जाओगे ना उसके बाद मैं यहाँ पे आपको और भी ड्रॉ करके बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले ये जो आपका सिस्टम है, थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। यहाँ पे हम लोग नीचे में टेम्परेचर को लिखते हैं, टेम्परेचर जो है वो इधर ज्यादा होते जा रहा है, मींस हाई से लो से हाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अब 95 देन 115 120, तो ये धीरे धीरे टेम्परेचर आपका बढ़ते जाएगा, उस तरीके से हम इसे यहाँ पे लिखेंगे। प्रेशर भी यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो ऐसा हम जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर को यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो कर्व के बारे में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे इस सल्फर सिस्टम में आपको कितने टोटल कितने कर्व जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल कर्व है वो मैंने लिखा हुआ है, जो आपका 6 कर्व होगा वो साम्यावस्था कर्व होगा, 6 इक्विलिब्रियम कर्व आपको देखने को मिलेगा, AB, BC, CD, EG, BE और EC। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, कर्व में हम लोगों को 6 कर्व जो है वो मेन जो आपको 6 कर्व है वो है AB, यहाँ पे आप देख रहे हो A से B पहला कर्व, B से C दूसरा कर्व, C से D थर्ड नंबर का कर्व, C से E फोर्थ नंबर का कर्व, E से G फिफ्थ नंबर का कर्व, एंड B से E ये आपका छठवें नंबर का कर्व। मतलब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा ना दोनों के बीच, वो जो साम्यावस्था वाला कर्व होगा वो 6 कर्व होगा, AB, BC, CD, EG, BE और EC। हर एक कर्व के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, और देन जो हमारा और कर्व होगा जो कि मैं यहाँ पे अभी मेंशन नहीं की हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आप इतने कर्व को समझ जाओ तब आगे का कर्व भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जो बाकी के 4 कर्व होंगे वो मेटा स्टेबल कर्व होंगे। मेटा स्टेबल कर्व को आप डायरेक्ट हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हो, मेटा स्टेबल कर्व करके, अगर आपको इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे मेटा स्टेबल कर्व BF, FC, FE, BH ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सल्फर सिस्टम में टोटल 10 कर्व आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा।
टोटल 10 कर्व आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक एक कर्व के बारे में मैं आप लोगों को चलिए अब एक एक करके जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे हम जो है वो डायग्राम में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कर्व है आपका AB कर्व। तो पूरा आप नोट्स में इसे जो है वो इंक्लूड करते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको क्या है AB कर्व। AB कर्व जो है वो कौन से टेम्परेचर में है। अगर हम बात करें यहाँ A से लेकर के B से, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर को ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर जो है वो 95.6 डिग्री से जो है वो नीचे है, मतलब इसके नीचे के टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, और प्रेशर भी जो है वो यहाँ पे कम है, बहुत ज्यादा प्रेशर हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया हुआ है। टेम्परेचर भी कम है और प्रेशर भी यहाँ जो है वो कम है। तो AB जो कर्व है वहां पे जो है वो SR और SV के बीच जो है वो इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा। तो SR क्या होता है, सल्फर रोम्बिक, और SV क्या होता है, सल्फर वेपर, मतलब ठोस और गैस के बीच में यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। सल्फर रोम्बिक और सल्फर वेपर के बीच में आपको इक्विलिब्रियम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए AB कर्व के बारे में आप जो है वो लिखिए। इसे सब्लिमेशन कर्व कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कर्व कहा जाता है, मतलब इसे SR का जो है वो सब्लिमेशन कर्व कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सल्फर रोम्बिक का यूज हुआ है और सल्फर वेपर का यहाँ पे यूज हुआ है। यही चीज जो है वो आपको हर एक कर्व में देखने को मिलेगा। हर एक कर्व में आपको पहला तो कर्व का नाम बताना है कि वो कर्व का नाम क्या है, उस वक्र का नाम क्या है। दूसरा आपको ये इंक्लूड करना है कि वहां पे कौन कौन से सल्फर जो है वो इक्विलिब्रियम में जो है वो स्थित है। तो अगर हम A से B की ओर चलें, AB वक्र के बारे में अगर हम देखें, तो इसे जो है वो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कर्व जो है वो कहा जाता है। इस कर्व में SR और SV जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं या साम्यावस्था में रहते हैं। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस कर्व का नाम क्या है। AB कर्व का नाम जो है वो सब्लिमेशन कर्व है या ऊर्ध्वपातन कर्व भी आप लिख सकते हो, और इस कर्व में आप कर्व को वक्र भी लिख सकते हो। इस कर्व में जो है वो SR सल्फर रोम्बिक और सल्फर वेपर के बीच में जो है वो आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। और अगर हम इसके स्वतंत्रता की कोटि की बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ पे हमें निकालना होगा। तो फेस लॉ का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, F=C - P+2। तो सी जो होगा कंपोनेंट 1, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने केवल एक ही कंपोनेंट यूज किया हुआ है सल्फर, तो यहाँ पे कंपोनेंट 1 लिखेंगे। फेस यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो फेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है, आप देख रहे हो SR और SV दो फेस जो है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे हम P की जगह जो है वो 2 लिखेंगे, और +2 तो आपको एड करना ही है, तो आंसर आपका 1 आएगा। तो अगर आप AB कर्व के लिए देखोगे तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होगा। तो अगर किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है तो उसे हम यूनिवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। तो AB कर्व के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। AB कर्व को सब्लिमेशन कर्व कहा जाता है। इस कर्व में SR और SV सल्फर रोम्बिक और सल्फर वेपर के बीच में आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो जो है वो 1 होगा, जिसे हम यूनिवेरिएंट सिस्टम भी कहते हैं। तो इसे आप जरूर लिख लें AB कर्व के बारे में। इतना पॉइंट आपके लिए नीड है, इतना इससे ज्यादा पॉइंट आप जो है वो मत लिखना, क्योंकि इससे ज्यादा समय आपके पास रहेगा भी नहीं एग्जाम में लिखने को। तो पहला कर्व आपको समझ में आया, अब चलिए हम दूसरा कर्व स्टार्ट करते हैं। दूसरा कर्व जो है वो आपका BC कर्व होगा। जैसे ही हम टेम्परेचर को जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब आपके पास जो भी सिस्टम है अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा, ये जो आपका सल्फर रोम्बिक है वो सल्फर मोनोक्लिनिक में जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पे हमें दो सॉलिड सल्फर जो है वो मिलेंगे, पहला तो सल्फर रोम्बिक एंड दूसरा सल्फर मोनोक्लिनिक, मतलब SR और SM। तो जब हम SR को थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर में जो है वो इसे गर्म करते हैं, मतलब 95.6 डिग्री से जैसे ये ऊपर आता है, ये जो आपका सल्फर रोम्बिक है वो सल्फर मोनोक्लिनिक अवस्था में जो है वो चेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि दोनों सॉलिड है, दोनों जो है वो ठोस अवस्था है, बट यहाँ पे जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज किया, ये जो आपका सल्फर रोम्बिक है वो सल्फर मोनोक्लिनिक में जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए क्या होगा, पॉइंट B, यहाँ पे हम जो है वो BC कर्व के बारे में देख रहे हैं, जैसा कि आप समझ रहे हो ये जो है हम लोग BC कर्व के बारे में जो है वो देख रहे हैं। तो BC कर्व के बारे में जो है वो आप लिखिए, पॉइंट B संक्रमण बिंदु है या ट्रांजिशन पॉइंट है। इस टेम्परेचर में SR मतलब रोम्बिक
और ऐसे में परिवर्तित हो जाता है, मतलब जो सल्फर रोम्बिक है वो सल्फर मोनोक्लिनिक में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये जो आपका पॉइंट बी है ना, वो जो है वो ट्रांजिशन पॉइंट कहलाता है, या जिसे हम संक्रमण बिंदु कहते हैं। संक्रमण बिंदु से जैसे आगे आता है ये सल्फर रोम्बिक, वो जो है वो सल्फर मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है, और आपको बीसी कर्व में सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर के बीच जो है वो आपको इक्विलिब्रियम जो है वो देखने को मिलेगा। बिकॉज जैसे जैसे हम जो है वो इस सल्फर को गर्म करते जाते हैं, वो वेपर में जो है वो चेंज होते जाता है, मतलब वाष्प में जो है वो परिवर्तित होते जाता है, तो सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर के बीच आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। कौन से कर्व में? बीसी कर्व में। यह कर्व SM का सब्लिमेशन कर्व कहलाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कर्व भी आपका सब्लिमेशन कर्व है, कंफ्यूज ना हो। AB कर्व भी आपका सब्लिमेशन कर्व कहलाता है और BC कर्व भी आपका सब्लिमेशन कर्व कहलाता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है गाइज, यहाँ पे देखिए, जो AB कर्व होगा ना, वो जो है वो SR का जो है वो सब्लिमेशन कर्व होगा, मतलब सल्फर रोम्बिक का सब्लिमेशन कर्व होगा। लेकिन ये जो आपका BC कर्व जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो सल्फर मोनोक्लिनिक का ट्रांजिशन सब्लिमेशन कर्व जो है वो कहलाएगा। क्लियर हुआ? दोनों सब्लिमेशन कर्व है, लेकिन एक सब्लिमेशन कर्व जो है वो सल्फर रोम्बिक का है, और ये वाला सब्लिमेशन कर्व जो है वो सल्फर मोनोक्लिनिक का है। क्लियर हुआ आपको? तो ये सब पॉइंट जो है वो आप लिख लीजिए, इसका BC कर्व का आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। पहला पॉइंट आपको लिखना है, पॉइंट बी पर ट्रांजिशन संक्रमण बिंदु ट्रांजिशन पॉइंट है, इस टेम्परेचर में रोम्बिक जो है वो मोनोक्लिनिक में परिवर्तित हो जाता है, यह कर्व SM का सब्लिमेशन कर्व होता है, मतलब सल्फर मोनोक्लिनिक का सब्लिमेशन कर्व होता है, इस कर्व में मोनोक्लिनिक और वेपर साम्यावस्था में रहते हैं, मतलब सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, द डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इसका 1 होगा। तो जैसा कि सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, फेज जो है वो आपका 2 है, कंपोनेंट 1 है, 2 है, आंसर जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का 1 आएगा। तो यहाँ ये वाले आपके फेज में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 आएगा। तो क्लियर हुआ आपका? ये बीसी कर्व, बीसी वक्र भी लिख सकते हो आप। तो बीसी कर्व में जो है वो आपको ये सब देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ गाइस आपको बीसी कर्व भी? तो AB कर्व समझ आया, SR और SV के बीच में एक लिए, देखिए ये सही आपको लिखना है, इसमें आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है। अगर SR और SV के बीच में है तो यही लिखना है, SM SV के बीच में है तो आपको यही लिखना है। तो AB और BC हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड नंबर का कर्व स्टार्ट करेंगे, वो जो है वो आपका CD कर्व होगा। तो अब यहाँ पे हम जो है वो CD कर्व के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लाते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना वो 120 डिग्री सेल्सियस है, मैंने थोड़ा 120 को इधर लिख दिया, बट ये 120 है। तो जैसे हम टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं, यहाँ पे जो आपका सल्फर जो कि सॉलिड स्टेट में था, पहले सल्फर रोम्बिक में था, देन सल्फर मोनोक्लिनिक में था, अब जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो वो जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में जो है वो चेंज होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका CD कर्व होगा, उसके बीच जो है वो आपको SL और SV के बीच जो है वो इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पे सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर के बीच में, मतलब द्रव और गैस के बीच में आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा CD कर्व में। और इसे जो है वो CD कर्व को हम जो है वो वेपर प्रेशर कर्व भी कहते हैं, वाष्प दाब वक्र भी कहते हैं। आगे मैं आपको नोट्स में जो है वो इस कर्व का जो है वो नाम बता दूंगी। और ये जो आपका जो पॉइंट D देख रहे हो ना, इसे हम जो है वो क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अगर आप D टेम्परेचर से, मतलब यहाँ पे अगर आप D पॉइंट्स अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो यहाँ से सल्फर का लिक्विड रूप खत्म हो जाएगा, मतलब आप टेम्परेचर को इतना ज्यादा बढ़ा दोगे, अपने सिस्टम का टेम्परेचर आप इतना ज्यादा इंक्लूड कर दोगे कि ये इक्विलिब्रियम ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे जो लिक्विड होगा, सल्फर लिक्विड होगा, वो पूरा गैस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट से आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। मतलब एक जो अंतिम बिंदु होता है ना, क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट, कि इस पॉइंट से हमको आगे नहीं जाना है, नहीं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये जो D होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो समझ आया आपको CD कर्व जो है वो आपको क्लियर हुआ? तो चलिए अब इसका नोट्स भी आप जो है वो लिख लीजिए, CD कर्व में क्या क्या लिखना है। पहला, इसे लिक्विड सल्फर का वाष्प दाब वक्र या वेपर प्रेशर कर्व कहा जाता है। देखिए गाइस, कोई भी कर्व में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है,
पहले तो वो कर्व का आपको नाम लिखना पड़ेगा कि वो कर्व का क्या नाम है। तो नाम यहाँ पे इस कर्व का है लिक्विड सल्फर का वाष्प दाब वक्र, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिक्विड सल्फर जो है वो यूज हुआ है इसलिए। देन SL और SV जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, आप डायग्राम में देख चुके हो। इसका भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ना, स्वतंत्रता की कोटि, वो भी एक ही होगा। और पॉइंट D क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट होता है, इस टेम्परेचर के ऊपर केवल SV ही शेष रह जाता है, मतलब सल्फर वेपर ही यहाँ पे शेष रह जाता है कहा जा रहा है। तो D इज अ क्रिटिकल पॉइंट, इसके आगे हम जो है वो नहीं जा सकते हैं, नहीं तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो एंड हो सकता है। क्लियर हुआ आपको CD कर्व? अब चलिए हम ऐसी CE कर्व के बारे में जो है वो देख लेते हैं। CE कर्व तो यहाँ पे आता है हमारा CE कर्व। तो CE कर्व देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो CE कर्व जो होता है ना उसमें SM और SL, मतलब यहाँ पे जो सल्फर मोनोक्लिनिक है वो सल्फर लिक्विड के, मतलब इन दोनों के बीच में जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो स्थापित रहता है। किसके किसके बीच में? मोनोक्लिनिक सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर लिक्विड। तो ये जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? गलनांक कर्व, इसे हम मेल्टिंग वक्र या मेल्टिंग कर्व भी कहते हैं। मेल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सॉलिड है ना वो लिक्विड में जो है वो मेल्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो है वो इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिल रहा है। सल्फर मोनोक्लिनिक एंड सल्फर लिक्विड के बीच में आपको ये इक्विलिब्रियम जो है वो देखने को मिल रहा है CE कर्व। तो चलिए इसका भी आप नोट्स लिख लीजिए, CE कर्व। इसे SM का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक वक्र कहा जाता है। SM SL साम्यावस्था इक्विलिब्रियम में रहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसका 1 होगा। क्लियर हुआ गाइस आपको ये कर्व भी? अब चलिए हम EG कर्व के बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा आपका EG कर्व, सबसे ऊपर वाला जो कर्व होगा ना आपका वो होगा आपका EG कर्व। तो इसे भी हम जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ही कहते हैं, इसे भी जो है वो हम गलनांक कर्व भी कहते हैं। लेकिन फर्क इसमें ये होगा कि ये जो आपका ये CE वाला जो कर्व होगा ना वो SM का मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब सल्फर मोनोक्लिनिक का ये मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन ये जो आपका EG होगा, EG कर्व होगा, वो सल्फर रोम्बिक का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे SR और SL के बीच में जो है वो इक्विलिब्रियम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे SM और SL के बीच में है ना, तो यहाँ पे SR और SL के बीच में जो है वो इक्विलिब्रियम रहेगा। देखिए यहाँ पे भी आप जो है वो नोट्स को लिख लीजिए EG का। इसे जो है वो SR का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक वक्र कहा जाता है। SR SL साम्यावस्था में रहते हैं। यह कर्व ई पॉइंट 151 डिग्री सेल्सियस के पास होता है, मतलब ये जो आपका ई पॉइंट होगा ना, ये जो आपका ई पॉइंट है उसका टेम्परेचर की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये कोई ऐसा ऐसा मतलब मत समझना, यहाँ पे मैंने पॉइंट किया हुआ है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है 151 डिग्री सेल्सियस के जो है वो बीच में रहता है। और अगर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पे जितना भी फेस मैं बता रही हूँ वो सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो, मतलब जितना भी सिस्टम यहाँ पे फेसेस मैं आपको बता रही हूँ सभी का जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 ही होगा। तो EG कर्व भी आपको समझ में आया, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लास्ट कर्व आपका क्या बचा? BE कर्व जो है वो बचा, मुझे ये F लग रहा था, ये जो आपका BE कर्व जो है वो बचा हुआ है। तो चलिए अब हम इस कर्व के बारे में जो है वो देख लेते हैं। इसे ट्रांजिशन कर्व कहा जाता है या संक्रमण वक्र जो है वो कहा जाता है। SR और SM जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यहाँ पे जो सल्फर रोम्बिक है और सल्फर मोनोक्लिनिक है वो जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होगा। तो ये जो आपका कर्व होगा BE वो जो है वो ट्रांजिशन कर्व कहलाता है, संक्रमण कर्व कहलाता है, और इसके बीच जो है वो सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक के बीच जो है वो ये इक्विलिब्रियम रखेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ये 1 होगा। तो इतना में आप लोगों ने क्या समझा? एकदम मैं यहाँ पे जो है वो एक समरी होता है ना, समरी टाइप से, उस टाइप से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे मैंने इसलिए बनाया हुआ है, कभी अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन आया कि ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, आपको लिखने का बिल्कुल भी समय नहीं है, 3 तमाशा ये जितना लंबा चौड़ा मैंने बताया वो आपको लिखने का टाइम नहीं है, तो आप ये कर सकते हो, डायग्राम आप बना दो, ऐसा कॉलम बना दो, इसमें सब चीज इंक्लूड मैंने किया हुआ है, पूरे कर्व का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को 6 कर्व बताया हुआ है ना वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन सा कर्व है, AB कर्व है, कौन से कर्व को हम क्या नाम दिए हैं,
हालांकि हिंदी में लिखा ही हूं मैं, अगर इंग्लिश में देखना है तो आप नोट्स में देख सकते हो। पूरे कर्व का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से कर्व के बीच कौन कौन सा सल्फर का इक्विलिब्रियम है वो मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है वो मैंने लिखा हुआ है, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने बताया है वो यही है, ये कोई अलग नहीं है, बस ये सब कर्व के बारे में मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे कि क्या क्या मैंने अभी तक आपको बताया। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 6 कर्व के बारे में बताया हुआ है, ए बी बी सी सी डी सी ई जी बी, ये सारे कर्व का जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ आए आपको, 6 कर्व तो आप जो है वो देख लिए, बाकी के 4 कर्व भी मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले हम यहाँ पे एरियाज देख लेते हैं। ये जो आपको सल्फर सिस्टम है ना उसमें आपको 4 एरिया जो है वो देखने को मिलेंगे, 4 एरियाज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला एरिया आप देख लीजिए क्या है, ए बी ई जी। तो ए बी ई जी तो ये वाला जो एरिया होगा ना उसे आप सल्फर रोम्बिक वाला एरिया, मतलब ये इसका इलाका है, मीन्स ये आप बोलो सल्फर रोम्बिक का इलाका है ये ए बी ई जी। यहाँ पे आप सल्फर रोम्बिक लिखोगे, देन बी ई सी तो ये एस एम, कहाँ क्या कौन कौन से एरिया की बात हो रही है, बी ई सी तो ये जो है वो सल्फर मोनोक्लिनिक का एरिया होगा। और एबीसीडी तो एबीसीडी देखते हैं कहाँ है, ए बी सी डी ये वाला एरिया जो है वो सल्फर वेपर का एरिया होगा। और डीसीईजी तो डीसीईजी कहाँ पे है आपका, डीसीईजी ये वाला एरिया आपका सल्फर लिक्विड का होगा। क्लियर हुआ, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर वेपर एंड सल्फर लिक्विड। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मैंने अभी तक बताया, एरिया के बारे में बताया, 6 कर्व के बारे में बताया। अब चलिए हम आगे के इसके और भी पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे, इतना जो है वो आप कॉपी कर लीजिए पहले। तो चलिए गाइस, इक्विलिब्रियम कर्व के बारे में तो आप समझ चुके हो, अब हम जो है वो मेटास्टेबल कर्व के बारे में जो है वो देखेंगे, बीएच बीएफ एफसी और ईएफ। तो यहाँ पे जो मेटास्टेबल कर्व है उसे मैंने कुछ इस तरीके से दर्शाया हुआ है ताकि आप दोनों कर्व के बीच जो है वो डिफरेंस को समझ सको। यहाँ पे मैंने इसे डैश 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 करके जो है वो मतलब बताया हुआ है आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला कर्व है आपका मेटास्टेबल कर्व जो है वो बीएच, देन बीएफ, एफसी और ईएफ। तो इसे मेटास्टेबल कर्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारे जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहला आपका बीएच कर्व, तो देखिए क्या होगा, ये जो आपका सल्फर मोनोक्लिनिक है और मतलब ये जो आपका बीसी है ना, जो बीसी कर्व है जिसमें सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ये तो आप सभी जानते ही हो। तो अगर हम इस कर्व को सडनली इस तरफ जो है वो आगे की ओर खींचे, मतलब यहाँ पे अगर हम सल्फर मोनोक्लिनिक को अचानक से जो है वो ठंडा कर दें, क्योंकि देखिए इधर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है लेकिन इस तरफ क्या है, टेम्परेचर जो है वो कम है, इधर जो है वो कूलिंग सिस्टम है, आप जो है वो ऐसा कह सकते हो। मीन्स यहाँ पे अगर हम सल्फर मोनोक्लिनिक को सडनली जो है वो एब्रप्ट जो है वो अगर हम इसे कूलिंग कर दें, मतलब इसे जो है वो एकदम इसका टेम्परेचर अचानक से गिरा दे, तो यहाँ पे आपका एक जो है वो मेटास्टेबल कर्व बनता है, वो कहलाता है आपका बीएच। और जैसे ही अगर हम थोड़ा सा इसको भी हिलाए डुलाए ना इस सिस्टम में, अगर थोड़ा सा भी इसे हिलाए डुलाए तो ये जो आपका बीएच कर्व है वो एबी कर्व जो है वो बन जाता है। मतलब ये एक प्रकार का एक ऐसा कर्व जिसे आप बोल सकते हो जो अनस्टेबल है, मीन्स ये स्टेबल कर्व जो है वो नहीं है, ये मेटास्टेबल कर्व जो है वो इसे आप कहोगे। तो अगर हम बीएच की ओर ध्यान दें तो आप जो है वो इन 4 मेटास्टेबल कर्व को कुछ इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, बस आपको इसमें ये बताना है कि बीएच में जो है वो किसके किसके बीच जो है वो इक्विलिब्रियम रहेगा। तो बीएच वाला जो कर्व होगा ना उसमें एसएम और एसवी के बीच इक्विलिब्रियम कर्व रहेगा, मतलब सेम जैसे कि ये एसएम और एसवी इस बीसी के बीच में जो है वो आप इक्विलिब्रियम देख रहे हो ना, एसएम और एसवी सेम आपको जो है वो बीएच में भी यही इक्विलिब्रियम जो है वो लिखना है। कायदे से तो ये वाला पूरा एरिया जो है वो सल्फर रोम्बिक का है, तो आपको यहाँ पे एसआर और एसवी लिखना चाहिए था, रोम्बिक जो है वो, क्योंकि इधर जो भी आता है वो रोम्बिक वाला होता है। बट यहाँ पे हम जो है वो रोम्बिक नहीं लिखेंगे, अगेन इसको हम सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सडनली टेम्परेचर को नीचे गिराया हुआ है, इसलिए हमें फिर से यहाँ पे जो सल्फर मोनोक्लिनिक है वही हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा भी हिलाते डुलाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये सल्फर रोम्बिक में जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ। और अगर हम इस फेस की जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, इस कर्व की अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 1 ही होगा। 1 क्यों होगा आपको पता ही नहीं, फेस लॉ एफ इक्वल सी माइनस पी प्लस 2 उसी में आप जो है वो रखोगे तो आंसर 1 आएगा। देन बीएफ कर्व के बारे में जो है वो हम देख लेते हैं। बीएफ कर्व
ये जो आप देख रहे हो BF कर्व, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका AB कर्व है जब हम उसे आगे की ओर बढ़ाते हैं, मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो AB कर्व में SR और SV के बीच जो है वो इक्विलिब्रियम है। सडनली अगर हम टेम्परेचर को एकदम से अचानक से बढ़ा दें, अगर हम धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब तो हमें मोनोक्लिनिक प्राप्त होगा, सल्फर मोनोक्लिनिक हमें मिलेगा। बट अगर क्या होगा, अगर हम एकदम सडनली टेम्परेचर को ऊपर की तरफ कर देते हैं, एकदम से अचानक से टेम्परेचर को जो है वो बढ़ाते हैं, तो आपको ये वाला मेटास्टेबल कर्व मिलेगा जो BF कहलाएगा। क्लियर हुआ मैं क्या कह रही हूँ? BF वाला कर्व जो है वो आपको मिलेगा। अगेन आपको यहाँ पे सल्फर रोम्बिक मिलेगा, अगेन आपको यहाँ पे सल्फर रोम्बिक और सल्फर वेपर के बीच जो है वो इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। कायदे से तो ये जो एरिया है वो सल्फर मोनोक्लिनिक का है, ये जो सल्फर है वो जब इस एरिया में आता है तो वो मोनोक्लिनिक बन जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोगों ने इसका टेम्परेचर को सडनली इंक्रीज किया हुआ है। इस वजह से ये जो आपका इक्विलिब्रियम है ना BF का, वो SR और SV के बीच में ही रहेगा। तो ये सब चीज जो है वो आप लिख सकते हो, और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 ही रहेगा। अब चलिए एक और हम कर्व यहाँ पे देखते हैं, वो है CF कर्व। अब देखिए क्या होगा, ये जो आप CD कर्व देख रहे हो ना, उसको हम सडनली नीचे की ओर लाएंगे, मतलब यहाँ पे जो CD कर्व है उसका टेम्परेचर हम जो है वो सडनली अब्रप्ट करें, मतलब एकदम जल्दी से हम जो है वो इसका जो टेम्परेचर है उसको कम कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे तो आपका सल्फर लिक्विड है, तो यहाँ पे तो कायदे से सल्फर मोनोक्लिनिक मिलना चाहिए, बट नहीं, जैसा है वो वैसा ही मिलेगा हमको। यहाँ पे सल्फर लिक्विड हमें अगेन एंड अगेन सल्फर लिक्विड हमें जो है वो यहाँ पे मिलेगा। तो CF कर्व में जो है वो आप SV इक्विलिब्रियम SL या फिर SL इक्विलिब्रियम SV करके जो है वो लिख सकते हो, और यहाँ पे अगेन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 आएगा। अब एक और कर्व जो है वो आप देख रहे हो, वो है EF कर्व। ओके, EF कर्व जो है वो आप देख रहे हो, फिर से हम क्या करेंगे, ये जो EG कर्व है ना उसका टेम्परेचर और प्रेशर को फिर से हम अचानक से नीचे गिराएंगे। जैसे हम इसे अचानक से इसका टेम्परेचर नीचे गिराते हैं, हमें EF कर्व मिलता है, और EF कर्व में जो है वो हमें SR और SL के बीच में जो है वो इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, और यहाँ भी अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 ही होगा, क्योंकि देखिए दो फेस यहाँ पे हो रहा है और आपका कंपोनेंट 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप फेस लॉ में कैलकुलेट करोगे तो आपका 1 ही आएगा। तो सारे कर्व जो है वो आप अच्छे से समझ गए, टोटल 10 कर्व जो है वो आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टोटल 10 कर्व। ये तो हो गया कर्व की बात, लास्ट हम जो है वो इसका ट्रिपलिंग पॉइंट देख लेते हैं, जिसे त्रिक बिंदु कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 ट्रिपल पॉइंट देखने को मिलेंगे। जब हम लोगों ने लास्ट टाइम H2O के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमें केवल 1 ट्रिपल पॉइंट जो है वो देखने को मिले थे, बट यहाँ पे हमें टोटल 4 ट्रिपल पॉइंट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वो ट्रिपल पॉइंट देख लेते हैं, BCEF। तो सबसे पहला ट्रिपल पॉइंट है आपका B। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 मेन कर्व जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये वाला कर्व एंड ये वाला कर्व एंड देन ये वाला कर्व। तो ये जो आपका जहां पे 3-3 कर्व एक साथ मिल रहे हैं ना, वो आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा, एंड ये जो ट्रिपल पॉइंट है वो आपका B होगा। तो B इज अ ट्रिपल पॉइंट। और अगर हम ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर देखें, कितने टेम्परेचर पे हमें ट्रिपल पॉइंट मिलता है, तो 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है वो आपको ट्रिपल पॉइंट देखने को मिलता है। और अगर हम इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फेस है, अगर आप 3 फेस वहां पे कैलकुलेट करोगे ना तो 0 आएगा उसका आंसर। तो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट आपका B है, और 95.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है। यहाँ पे SR, SM और SV के बीच जो है वो आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। देखिए कहाँ किसके किसके बीच, SR, SM और SV के बीच, मतलब यहाँ पे कौन कौन से एरिया के बीच ये ट्रिपल पॉइंट है, पहला तो SR, SM और SV, तो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ये आपका B है। तो पहला ट्रिपल पॉइंट आपको क्लियर हुआ गाइज। अब जो है वो हम सेकंड ट्रिपल पॉइंट देख लेते हैं, वो है C। तो यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हो ट्रिपल पॉइंट C, आपका ये वाला कर्व एंड देन ये वाला कर्व, ये यहाँ पे तीनों कर्व आके मिल रहा है जो कि आपका C ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। इसका टेम्परेचर आप देख लो, 120 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आपको C ट्रिपल पॉइंट मिलता है। कौन कौन सा एरिया जो है वो यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम जो है वो देख सकते हो, पहला तो SM का, ये वाला SM का एरिया है, दूसरा SL का क्योंकि ये लिक्विड वाला एरिया है SL, और दूसरा है, तीसरा है SV, मतलब SM, SL और SV के बीच आपको ये ट्रिपल पॉइंट मिलता है। अगेन एंड अगेन इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 ही आएगा। देन एक और ट्रिपल पॉइंट हम देख लेते हैं, E। यहाँ पे आप चेक करोगे E या इसका जो है वो ट्रिपल पॉइंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका टेम्परेचर जो है वो 151 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से एरिया के बीच में प्रेजेंट है ये, SR के बीच में, SM के बीच में और SL के बीच में। अगेन एंड अगेन इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपको जो है वो 0 मिलेगा।
तो सारा चीज मैंने इंक्लूड किया हुआ है। लास्ट में आपका एक मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट आपको देखने को मिलता है, वो है सी। मतलब ये जो आपका ट्रिपल पॉइंट है ना, वो मेटा स्टेबल कर्व से जो है वो मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो SR और SM, सॉरी यहाँ पे जो ये जो इसका जो आप यहाँ पे देख रहे हो SR, SL और SV के बीच जो है वो आपको ये ट्रिपल पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा, और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 0। क्लियर हुआ आपको? तो 4 ट्रिपल पॉइंट है, 10 कर्व है, 3 एरिया है, ये सब जो है वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। तो क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक? तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।